नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल एक्स बाई जेड सब कुछ। तो दोस्तों, 1 जून से ट्रैफिक नियमों में कुछ बदलाव हुए हैं जो आप सभी को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर दोस्तों आप ये नियम नहीं जानेंगे, इनके बारे में जानकारी आपको नहीं होगी, तो आप अपना भारी भरकम चालान कटवा बैठेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जो भी नियम चेंज हुए हैं उनकी मैं आपको जानकारी दूंगा, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, ये जो जानकारी है मैं जागरण न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको देने जा रहा हूँ। नई दिल्ली ऑटोडेस्क दोपहिया वाहन, इसमें दोस्तों दोपहिया वाहन की सबसे पहले मैं जानकारी दे देता हूँ, उसके बाद अन्य वाहनों की भी जानकारी दूंगा क्या क्या चेंज हुए हैं। तो सबसे पहले दोपहिया वाहन चलाते समय सुरक्षा की नज़र से हेलमेट पहनना कितना ज़रूरी है, ये तो आप जानते हैं। बिना हेलमेट अगर कोई व्यक्ति जाता है और उसका कहीं रोड पर एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो उसकी जो है ज़्यादा चोट लगने की संभावना रहती है। और कई बार देखा गया है, बिना हेलमेट पहने अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो दोपहिया चालक की मौत हो जाती है। तो दोस्तों, इसको लेके एक नया कानून अब ये लागू किया गया है कि अगर आप मोटरसाइकिल पे, स्कूटर पे, किसी टू व्हीलर पे जाते हैं और आपने हेलमेट पहना हुआ है, और अगर आपने हेलमेट की जो फीता होता है वो नहीं बांधा हुआ है, तब भी आपका 1,000 रुपये का चालान काट दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। वहीं पे दूसरी चीज़ ये है, अगर आपने हेलमेट पहना हुआ है लेकिन वो लोकल है, वो भारत में जो सेफ्टी मानक ब्यूरो है उसके अनुरूप बना हुआ नहीं है, ISI मार्क नहीं है, तो दोस्तों तब भी आपका जो है चालान कट जाएगा। इसके बाद दोस्तों मैं बता दूं आपको, मोटर वाहन अधिनियम के तहत दोपहिया चालक हेलमेट पहनने पर उन BIS जो इनका भारत का एक वो है डिपार्टमेंट है दोस्तों, वो अपनी एक सिक्योरिटी देता है BIS की, और ISI आपको पता ही है, ISI जिस पे मार्का लगा होता है वो सरकार द्वारा प्रूफ चीज़ होती है। तो ये चीज़ें आपके हेलमेट पे ज़रूर होनी चाहिए, वरना धारा 129 के तहत तो आपका जो है चालान काट दिया जाएगा, और ये चालान 1,000 रुपये से लेकर 2,000 रुपये का काटा जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, उसके बाद मैं आपको बता दूँ दूसरी जो खबर है वो ये है कि अगर सवार मोटरसाइकिल सवार हो वाहन को ओवरलोड करते पाया जाता है, कई बार आपने देखा होगा टू व्हीलर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े बक्से या बोरियां इस प्रकार से सामान लेके जाते हैं, तो दोस्तों उनका भी चालान अब कट सकता है, वो ओवरलोड में आता है तो उसका चालान दोस्तों 20,000 रुपये का चालान कट सकता है। वहीं ये चालान बड़ी गाड़ियों के लिए भी 20,000 का ही होगा, लेकिन बड़ी गाड़ियों पर प्रति टन जितना भी एक्स्ट्रा माल होगा वो प्रति टन 2,000 रुपये प्रति टन के हिसाब से उनका अतिरिक्त जुर्माना भी देना पड़ेगा। मान लीजिए अगर गाड़ी ओवरलोड है तो 20,000 रुपये का चालान तो आपका कटेगा ही कटेगा। उसके बाद कितना ओवरलोड है, मान लीजिए 10 टन ओवरलोड है तो 20,000 रुपये उसके हो गए, 5 टन है तो 10,000 रुपये उसके ओवरलोड के एक्स्ट्रा हो गए। तो इस प्रकार से अगर आपके टू व्हीलर पर भी अगर लोडिंग आपने कर रखी है तो दोस्तों आपका भी 20,000 रुपये का चालान कटेगा। तो दोस्तों, ये थे ट्रैफिक में कुछ नए बदलाव जो आपको मैंने बताए, आशा करता हूँ आप इनको नज़रअंदाज नहीं करेंगे और आप इन नियमों के अनुसार अपनी गाड़ी को चलाएंगे और इन नियमों के अनुसार ही अपनी गाड़ी में जो भी माल या लोडिंग करते हैं वो सामान लोड करेंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।